कुछ बोलो छोड़ो। ये मेंढर से जम्मू वाली मेन रोड है जो बीजी से तलक रखती है, तो लिहाजा इस रोड की बुरी कंडीशन है। ना कोई यहाँ ऑफिसर आता है, ना वो कोई काम करवाते हैं। हमने सुना था कि ये पीएमजे की रोड हो गई, 33 करोड़ रुपया जो था वो इस रोड का आया था, और आज तक किसी ने भी यहाँ तवज्जो नहीं दी, और ये रोड खस्ता हालत में पड़ी है। और डीसी साहब को हमने बहुत बार कहा कि ये रोड जो है उसको आप इसको कंप्लीट किया जाए, तो कुछ भी नहीं है। जब कोई भी गाड़ी यहाँ से निकलती है, जो 10 मिनट का रास्ता होता है वो 2 घंटे में 3 घंटे में वो सफर करती है। और लिहाजा यहाँ जो घोड़ा रोड, घोड़े वाली रोड है, ये घोड़े चलते हैं इस रोड पे, लेकिन गाड़ियों का यहाँ कोई चलना नामुमकिन है। तो लिहाजा हम अपील करते हैं, यहाँ जब यादव साहब थे उन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया था 33 करोड़ का, तो आज दिन तक किसी ने भी इस 33 करोड़ पे तवज्जो नहीं दी कि वो 33 लाख करोड़ रुपया वो कहाँ गया है। तो लिहाजा हम फिर अपील करते हैं कि इस रोड को मुकम्मल किया जाए। आज जब यहाँ से हरनी वाले नवीद साहब गुजर रहे थे, तो हम नदीम साहब गुजर रहे थे, तो हमने कहा रुके यहाँ, ये रोड की कंडीशन है, और आप हमारे यहाँ नेता हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, तो ये हमारी जो कोई भी कार्रवाई है ये आप ऊपर तक लाएं। और जब यहाँ से कोई गाड़ी बीजी से या धार गांव से हमरा औरत आती है और एम्बुलेंस जाती है, तो बीच में डिलीवरी हो जाती है। ये ऐसी रोड है कि जिसमें कोई सफर के लिए बीमार आदमी चल नहीं पाता। तो लिहाजा हम कहते हैं कि हमारी ये रिक्वेस्ट है मेडर आवाम की, दारगुड़ आवाम की, सब गरीब वालों को पूछा जाए कि 33 करोड़ ये रुपया कहाँ गया। ऊपर इंक्वायरी करें इस रोड की कि ये रोड जो है, और हम इनको कह रहे हैं कि आप ऊपर इंक्वायरी करवाएं, नदीम साहब के पास इंक्वायरी करवाएं, एसडीएम के साथ कहा जाए कि वो इस रोड की इंक्वायरी करें कि ये गरीब वाले क्यों नहीं रोड को कंप्लीट करते। जिनके बस का रोड नहीं है तो ये पीएमजी को दे दें, वो का हमारी रोड तो बनाएंगे, और वो रोड तो बनाएंगे। हम कमिश्नर जी को भी कह रहे हैं कि वो इस रोड को आज गए भी होंगे, सुबह मैंने चलते टाइम यहाँ से देखे थे तो वो बीजी की तरफ गए थे, उनको खुद रोड का नॉलेज भी है ये रोड कौन सी है। ये गैल है, गैल, ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता इस रोड पर।